नमस्कार, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्षितिज काव्य खंड के पाठ 2 वाक ललद्य 1320 से 1391 तक पढ़ेंगे। संत कवित्री ललद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंपुरा गांव में हुआ था। ये कश्मीर भाषा की लोकप्रिय कवित्री हैं। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे लला, ललेश्वरी, लल योगेश्वरी आदि। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्य ने अपनी रचनाओं में जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है, इसी कारण इनकी कविताएं कश्मीरी लोगों की स्मृति और वाणी में आज भी ताज़ा हैं। इन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। जिस तरह हिंदी में भक्तिकालीन कवियों के दोहे, चौपाइयाँ और सवैयाँ प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्य के वाक प्रसिद्ध है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उनका स्पष्ट मानना है कि प्रेम के सहारे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने अपने वाक्यों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णता को त्याग कर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने को कहा है जो कि धर्म से जुड़ा है। उन्होंने अपनी वाणी को वाक् शैली में प्रस्तुत किया। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इनको ससुराल में बहुत तंग किया जाता था। वह इतनी परेशान हो गई कि वे मरना चाहती थी, शायद मरने के बाद उन्हें मोक्ष मिल जाए। वह घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला। उनका मन किया कि कुएं में गिर जाए। जब वो ऊपर आई, गिरने के बाद जब पानी से वो ऊपर आई तैरती हुई, तो इनके कपड़े तो अस्त व्यस्त थे, पर वे पूरी सोने से लदी हुई थी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कविता वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोर, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह हूँ मेरे। कवित्री इस कविता में बता रही हैं कि सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे अपने नाम रूपी शरीर को खींच रही हूँ। कवित्री फिर से सुनिए। कवित्री कहती हैं कि जो कच्ची रस्सी है, सांसों की जो कच्ची रस्सी है, मैं उसके सहारे अपने नाव रूपी शरीर को खींच रही हूँ। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर कब मुझे इस भव सागर से पार उतारेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। कवित्री का मन सारे संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाने का है, पर उनके सारे प्यार्स व्यर्थ होते जा रहे हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री का मानना है कि सांसारिक वस्तुएं खा खा कर, अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर, वह अहंकारी बनता जा रहा है और ना खाकर अर्थात तप कर व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। व्रत और तप करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बहुत महान हैं, हमने व्रत किया है, हमने तप किया है, तो हमें प्रभु जल्दी मिल जाएंगे। पर वो सारी सुख सुविधाएं और व्रत और तप को करने से बहुत अहंकारी होता जा रहा है, उसके ऊपर घमंड हो गया है, वह घमंडी हो गया। अर्थात ये दोनों स्थितियां ही सुख नहीं दे पाती हैं। अपने पर तथा बाहर की इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। मन को मोह माया से दूर रखना चाहिए। जब हमारी बुद्धि खुल जाएगी तो मन मोह माया में नहीं फंसेगा। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दू क्या उतराई। प्रस्तुत वाक में कवित्री ने अब लोकनों का अभिव्यक्ति की है, अपनी आत्मा को निखारने के लिए कहा है। कवित्री कहती हैं कि प्रभु को पाने के लिए वह इस संसार में सीधे राह पर आई थी, पर सांसारिक मोह माया में फंसकर वह अपना रास्ता भूल गई हैं। वह जीवन भर सुषमा नाड़ी के साथ कुंडली में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। सुषमा नाड़ी, बच्चों, हमारी दोनों आँखों के बीच में जो एक
जगह होती है, उसकी इंद्रियों को खोलना होता है, तभी जाके भगवान की प्राप्ति होती है। उनका समय इसी में बीत गया, पर जीवन के अंतिम समय पर जब उन्होंने अपनी जेब टटोली, अर्थात जब उन्होंने अपने अंदर झांक के देखा तो कुछ भी नहीं था। वह जीवन में कुछ भी नहीं पा पाई थी। ईश्वर के पास जाकर वह क्या कहती, उनके अंदर तो एक भी सत्कर्म नहीं था। तो बच्चों, हमें सत्कर्म करने चाहिए, ढोंग माया, और उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। थल थल में बसा है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कवित्री कहती हैं कि वह हर स्थान पर है, वह कण कण में विराजमान है। जो मनुष्य हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर सबको अपना ले, ईश्वर को अपने से पहले वह खुद को जान ले कि वह खुद क्या है, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसानी से हो जाएगी। अपने अंदर झांक के देखे कि उसके अंदर तो कोई भेदभाव नहीं है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। अर्थात ईश्वर आत्मा के रूप में हम सब में वास करता है। हम उसे पहाड़ों में, मंदिरों में ढूंढते जाते हैं, पर वो हमें कहीं नहीं मिलते। हम अगर अपने अंदर उसे ढूंढेंगे तो वह हमें अपने अंदर ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।